कराची यूनिवर्सिटी का एनटीएस का रिजल्ट आ गया है और अब बच्चे पूछ रहे हैं कि हम पास हैं या फेल हैं। तो मेरे भाई सिवाय तीन टेक्नोलॉजी के इस बार इन्होंने पासिंग मार्क्स बहुत कम कर दिए थे, 40 पासिंग मार्क्स थे। तो जिनके भी 40 पासिंग मार्क्स आ गए वो तो पास हो गए, वो तो खुश हो जाइए। हाँ, लेकिन जिनको केमिकल टेक्नोलॉजी में देना है या UBIT में देना है तो उसके लिए कम अज कम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थे? 50 चाहिए थे। तो जाहिर है अगर किसी के 50 मार्क्स नहीं है, 47-48 है, तो उसका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। फाइनल मेरिट लिस्ट मोस्ट सस्पेक्टेड मंडे को लग जाएगी कि आपका किस डिपार्टमेंट में हुआ है एडमिशन। ये टेस्ट बेस की बात कर रहा हूँ, मेरिट बेस में अभी दे रहे हैं, ठीक है जी। ज्यादा अच्छे तरह डिपार्टमेंट उन्होंने ऐसे टेस्ट बेस ही रखे हैं, तो मंडे को सिचुएशन वाजे हो जाएगी। और जिनका नहीं होगा तो जहाँ जहाँ दूसरे ऑप्शन हो रहे हैं वो मैं आपको मुसलसल वीडियो अपलोड करे जा रहा हूँ। इवनिंग की अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है, एक दो दिन में इवनिंग के हवाले से भी फाइनल हो जाएगा। इवनिंग में कब आएंगे एडमिशन और इवनिंग के एडमिशन के हवाले से फिर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इंशाल्लाह ताला जैसे ही आती है प्रोवाइड कर देता हूँ। फिलहाल तो जिन लोगों ने नहीं देखा अपना टेस्ट का रिजल्ट तो फौरन देख लें, NTS की वेबसाइट पे बहुत ही लेट नाइट को कल इन्होंने डाला है। तो अब आप देख लीजिए कि भाई आप टेस्ट में पहली बात करके पास हुए हैं फेल हुए हैं। पास हो गए तो फिर आप होप रखिए कि आपका मंडे या ट्यूजडे को जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें किसी अच्छी जगह नाम भी आ जाए। और खुदा ना हस्ता रुका है तो फिर क्या करना है वो मैं बताता हूँ। इवनिंग का अभी तो कराची यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बाकी है, आप लोगों के पास और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, वो प्राइवेट फील्ड्स हैं, उनकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ।